आज हम जानेंगे कि मैटर किस तरह से क्लासिफाई होता है। मैटर को क्लासिफाई करने के दो तरीके हैं, एक प्योर सब्सटेंस और दूसरा मिक्सचर। कि मैटर या तो प्योर सब्सटेंस की फॉर्म में होगा या मिक्सचर की फॉर्म में होगा। प्योर सब्सटेंस की भी दो कैटेगरीज हैं, प्योर सब्सटेंस एलिमेंट होता है और कंपाउंड होता है। एलिमेंट ऐसा प्योर सब्सटेंस होता है जिसमें एक तरह के एटम से मिलके बना हुआ मैटर होता है। ऑन द अदर हैंड जो कंपाउंड होता है उसमें एक से ज्यादा एलिमेंट इन्वॉल्व हो सकते हैं। दूसरी कैटेगरी है मिक्सचर। मिक्सचर भी दो तरह के होते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर, एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर की यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, पानी में नमक घोल दें या पानी में चीनी घोल दें तो वो यूनिफॉर्मली उसमें घुल जाएगा और आपको पता नहीं लगेगा कि नमक कहाँ है और चीनी कहाँ है पानी में। ऑन द अदर हैंड दूसरा है हिट्रोजीनियस मिक्सचर, इसकी नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। धन्यवाद।